Hi guys, it's me Aryan. Welcome back to our channel Childhood. Hope you all are good and doing fine. मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट नाउ आई एम टोटली फाइन. सो मैं आ गई हूँ एक न्यू टिक वीडियो के साथ और मैं टिक वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, सो आई एम सो एक्साइटेड. तो आज मैं आपको बताऊँगी हमारी फैमिली के फिटनेस गैजेट्स के बारे में. और दीज डेज बिकॉज ऑफ कोविड हमको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और एक्सरसाइज मेजरमेंट में हमारी स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स हमारा बहुत हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. सो यस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे फैमिली के पास कौन कौन से स्मार्ट वॉचेस, कौन कौन से फिटनेस बैंड्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद माई फिटनेस बैंड. बट मेरी फिटनेस बैंड से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी फिटनेस ट्रैकर्स को एक साथ दिखाती हूँ. सो फ्रेंड्स, ये हमारे चारों फिटनेस ट्रैकर्स हैं. ये दोनों गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 हैं और ये गियर स्पोर्ट है और ये सैमसंग गैलेक्सी फिट है. सो ये है पापा की वॉच एक्टिव 2 और ये है मम्मा की वॉच, ये भी एक्टिव 2 है जैसे कि मैंने आपको बताया. और ये है देव की वॉच सैमसंग गियर स्पोर्ट और ये है मेरी फिटनेस बैंड गैलेक्सी फिट. सो चलिए मैं आपको इसका सरफेस दिखाती हूँ. तो इसका कुछ ऐसा सरफेस है. सो यस, ये मेरा फिटनेस बैंड है और मुझको इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो स्टेप्स मॉनिटरिंग हो, चाहे वो हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो, चाहे वो स्लीप मॉनिटरिंग हो. ये फिटनेस बैंड काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है. सो यस, और हाँ, इसमें हम लोगों को कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि मेरा अभी होम पेज है. और अब जब हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे ऐसे जैसे फ़ोन में ड्रॉप डाउन होता है, तो ये एक मेन्यू पूरा खुल जाएगा जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं. तो यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है और भी काफ़ी सारे फीचर हैं. फाइंड माय फ़ोन का भी ऑप्शन है, बट व्हाइल योर वॉच इज़ कनेक्टेड दैट टाइम ओनली. और हाँ, अब हम जब इसको लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करेंगे देन वील गेट आर स्टेप्स एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग और कैलोरी मैंने कितनी बर्न की हैं और हाउ मच डिस्टेंस आई हैव कवर्ड और भी काफ़ी कुछ. और देन इसमें जो सबसे अच्छा फीचर लगा मुझको वो ये था कि ऐसे क्या होता है दिन भर में मैं जितने भी ग्लास वाटर पीती हूँ मेरे को याद नहीं रहता कभी कभी तो. सो यस, इसमें मैं काउंट कर सकती हूँ कि मैंने कितने ग्लास पानी पिया और फिर मैं पापा मम्मा को दिखा भी सकती हूँ कि हाँ मैंने इतने ग्लास पानी पिया है. सो यस, ये मेरे को फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और उसके बाद ये आपको एक नॉर्मल सा कैलेंडर दिखने को मिल जाएगा जिसमें डेट, मंथ और डे दिख जाएगा आपको. एंड देन आपको वेदर यहाँ पे दिख जाएगा और वेदर आप वेदर को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, मतलब रिफ्रेश कर सकते हैं कि अब इस टाइम पे क्या वेदर है. बट उसके लिए आपकी वॉच फ़ोन से कनेक्टेड होनी चाहिए. एंड फिर यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग है. मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं इसको कभी कभार यूज़ करती हूँ शौक के लिए. एंड फिर यहाँ पे कुछ वर्कआउट के मोड हैं जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, अदर वर्कआउट्स हो गया, ट्रेडमिल हो गया. और मैं इसमें और भी ज़्यादा वर्कआउट्स ऐड कर सकती हूँ बट वो फ़ोन से ही हो सकते हैं. एंड फिर यहाँ पे अगेन स्टेप्स दिखेंगे मुझको एंड देन डिस्टेंस और उसके बाद कैलोरीज आई हैव बर्न्ड. और उसके बाद दिखेगा स्लीप मॉनिटरिंग जिसमें दिखाएगा कि मैं रात में कितने बजे सोई और फिर कितने बजे उठी और आनंद कितना सोया है.
और फिर ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड फिर टाइमर एंड स्टॉपवॉच, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है म्यूजिक, जैसे फोन में बज रहा है तो आप उसको प्ले प्ले पॉज कर सकते हो, और फिर अगर कनेक्टेड रहेगी तो आप उसको स्क्रोल अप कर सकते हो। स्क्रोल अप में ऑप्शन आता है कि आपको अगर फॉरवर्ड करना है या फिर बैकवर्ड करना है उसका। सो यस, और आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने ये गैलेक्सी फिट क्यों चूज़ की, जबकि मेरे पास ऑप्शन थे काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेस के भी। तो द फर्स्ट रीज़न वॉज टू चूज़ दिस स्मार्ट बैंड वॉज। सो गाइज, द फर्स्ट रीज़न इज़ कि गैलेक्सी फिट की डिस्प्ले छोटी है एज़ कंपेयर टू द अदर स्मार्ट वॉचेस। सो हाँ, जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतनी ही बैटरी लाइफ ज़्यादा होगी, और लगभग इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, शायद आप देख पा रहे होंगे, बट हाँ अभी इसमें 100% बैटरी है। और ये लगभग जब इसमें 100% बैटरी होती है 4 to 5 days आराम से चल जाती है, तो मेरे को वो डेली चार्ज करने का मतलब डेली चार्ज नहीं करना पड़ता है इसको एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्मार्ट वॉचेज़। उन क्योंकि उनकी डिस्प्ले बड़ी होती है तो उनको हम लोगों को डेली सुबह उठ के तो चार्जिंग पे लगाना ही पड़ता है। एंड या द सेकेंड रीज़न इज़ कि इट्स साइज़। मैंने इसके साइज़ के वजह से इसको लिया, क्योंकि अगर मैं इसको हाथ में पहनती हूँ लाइक दिस, तो ये बहुत ही इजी टू कैरी है एंड छोटी सी है, तो इसमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता कि हमने हाथ में कुछ पहना हुआ है। एंड या ये इजी टू कैरी है, दैट्स वाई मैंने एक स्मार्ट वॉच को नहीं चूज़ किया, मैंने गैलेक्सी फिट को चूज़ किया, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मैं स्मार्ट वॉच चूज़ करती तो उसका वेट तो इससे काफ़ी ज़्यादा भारी होता। सो यस, नाउ लेट्स मूव टू आर सेकेंड वॉच। सो फ्रेंड, सेकेंड वॉच है ये गियर स्पोर्ट, जो कि देव की है, और देव ने उसको अपने अपने जैसा मतलब उसको जैसा सेट करना था वैसा मैं उसने पूरा सेट किया हुआ है। और यस, देव ने ये क्यों ली, जबकि जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो एडल्ट्स लोग कम मोस्टली यूज़ करते हैं, बट देव को बचपन से ही बल्कि वॉच पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड ही ट्राइज टू कॉपी पापा एवरी टाइम, लाइक पापा कोई शर्ट या फिर टी शर्ट पहनते तो देव बोलते मेरे को भी इसी कलर की शर्ट या फिर टी शर्ट चाहिए। सो यस, उसने बोला कि पापा मैं आपकी जैसी ही वॉच पहनूंगा, तो ये देव ने इसलिए ये गियर स्पोर्ट ली कि वो पापा की तो इस तरह पापा की जैसे पहने। एंड यस, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं, मोस्टली सेम टू गैलेक्सी फिट, बट हाँ ये उससे ज़्यादा फीचरिस्टिक है, बिकॉज ये ऑफ कोर्स बड़ी इसमें डिस्प्ले है एंड इसमें उनको एक्स्ट्रा फीचर्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं बिकॉज इट्स एन स्मार्ट वॉच। सो यस, ये इसका होम पेज है, हमको यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमको ये रोटेटिंग डायल मिल जाता है, सो दैट आपको स्क्रीन पे ऐसे ऐसे हाथ ना घुमाना पड़े, आप जैसे ऐसे ऐसे इसको रोटेट करोगे, और इसकी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील भी कराता है। एंड हाँ, इसके सिम फीचर्स हैं काफ़ी हद तक, लाइक फाइंड फोन, और यहाँ पे कॉल भी हम कर सकते हैं, बट बिकॉज इसमें स्पीकर नहीं है लाइक एक्टिव 2, तो हाँ हम इससे बात नहीं कर सकते, बट यस स्टिल वी कैन मेक कॉल फ्रॉम दिस वॉच इफ कनेक्टेड। और हाँ, ये इसमें वर्कआउट के भी काफ़ी सारे मोड्स हैं, लाइक योगा, वॉकिंग, ट्रेडमिल, एंड इसने एक और कोई ऐड किया हुआ है, और रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, पुशअप्स,
और फिर इसने एक्टिव मिनट्स हैं इसमें इसके 29 मिनट्स एंड या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। और ये है और सेम जैसे कि मैंने बताया था, आप इसमें अपने ग्लास ऑफ वाटर काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने ग्लास पानी पिया है। और देन दिस प्ले स्टॉप बटन और देन हमको यहाँ पे मिल जाएगा हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम। सेम इसका भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसके बाद तो आ जाता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं लोग, जैसे देव ने 7 hours 43 minutes देव सोया है, इसमें सब बताते हैं कि मतलब आपने कितनी देर रेस्टलेस स्लीप ली है, कितनी देर आपने लाइट स्लीप ली है, कितनी देर आपने मोशनलेस स्लीप ली है एक्सेट्रा। काफ़ी सारे हैं इसमें जो कि इसमें नहीं मिलते हमको एक्टिव टू में, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इट्स बिग डिस्प्ले एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल डिस्प्ले। एंड देन यहाँ पे टेम्परेचर दिख जाता है और फिर यहाँ पे पूरा कैलेंडर है। इसमें कैलेंडर में मुझको जो अच्छी बात लगी कि अगर आपको जाना है कि लास्ट मंथ हम लोग लाइक लास्ट मंथ सेकेंड को कौन सा डे था, तो आप इसको जस्ट स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये मैं बता देगा कि सेकेंड को संडे था और आप इसको कितना भी पीछे ले जा सकते हो। सो या मेरे को ये थोड़ा सा फीचर अच्छा लगा इसमें। एंड देन इसमें काफ़ी सारे और भी फीचर्स आ जाते हैं जो कि हमको अंदर मिलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनसाइड जाने का, यहाँ पे फिर अलार्म आ गया, फिर यहाँ पे बैरोमीटर आ गया, यहाँ पे बिक्सबी लाइक सीरी एंड ओके गूगल टाइप्स, फिर यहाँ पे कैलेंडर एंड कैमरा रिमोट, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, फाइंड माय फ़ोन, फ्लैशलाइट, गैलरी। गैलरी में हम लोग यहाँ पे अपनी जो फ़ोन से फोटोज़ वॉच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट एज अ योर वॉलपेपर। एंड देन अलार्म है और हाँ इसमें वर्ल्ड क्लॉक भी है, सो दैट आप कहीं का भी किसी भी कंट्री का आप टाइम जान सकते हो कि क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे। सो यस लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट वॉच। बट हाँ इसका भी मैं रीज़न बता दूं कि देव मतलब मैंने बताया तो आपको, और देव को बल्कि वॉच पहनने का भी शौक है जैसे मैंने आपको बताया। सो यस ये कुछ ऐसी है, इसका सरफेस कुछ ऐसा है। सो फ्रेंड्स इसका कुछ सरफेस देखने में ऐसा है।